ऐसी एक पिक्चर मेरी बन जाए ना कसम से, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाए। एक वीडियो तो बनवा दे, वैसे पिक्चर या वीडियो एक तो बननी चाहिए, जैसे लास्ट टाइम शेर के साथ बनाई थी वीडियो, हर जितना आप कहेंगे उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ये वाली शेर ले लें उसकी और मेरी आखिरी मुलाकात होगी। मैं अगली बात यही करनी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमवाईके न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा आबिद, और आज फिर मैं मौजूद हूँ एक ऐसे फार्म हाउस पे जहाँ पे इधर उधर शेर ही शेर मुझे नजर आ रहे हैं। आप एक बंदे की वीडियो देखते होंगे साकिब की, शेरों के साथ लोग जो होते हैं ना वो इंसानों के साथ दोस्तियां करते हैं, उन्होंने शेरों के साथ दोस्तियां की हुई हैं, उनको खाना शाना खिला रहे होते हैं। और अभी भी आप लोग देख सकते हैं दो शेर हैं पिंजरे के अंदर और एक वो खुद अकेले उनके साथ। हेलो सर, दूर दूर से। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? डर नहीं लग रहा आपको? अगर हेल्प की जरूरत हुई तो मुझे बता दीजिए तो मैं आ जाऊंगी। ये मैंने अपने हाथों से जो छोटे 20-20 दिन के बच्चे थे तब से पाले। इनको किसी बात का गुस्सा आया हुआ है? इनके नाम क्या है? आपकी दो जो सहेलियां हैं, सहेलियां क्या है? और कितने एज है इनकी? ओके। और ये आपके पास कितने से आएंगे? बचपन से आप नहीं पाला है? ये मैं नहीं पाला इनको, ये 20-20 दिन के लिए मुफासा जो है तकरीबन 25 दिन का मेरे पास आया था। ये लाइनेस वाइट 20 दिन की। ऐसा लग रहा है मैं किसी कैदियों से मिल रही हूँ, मैं भी अंदर आ जाऊँ? नहीं कसम से, अंदर जाके शेर के साथ बात करने का मजा आएगा ना। वो हेलो ओए नी, क्या बात सोनी, इधर हो, चलो ऊपर ऊपर, हेलो इधर आ, चलो 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 दूर दूर, इससे थोड़ा सा दूर रहना। आरी आरी, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा आप पीछे रहे क्योंकि ये जो है ना पंजा मारती है, इसीलिए आप थोड़ा सा दूर रहे केक से। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारे जो मालिक है तुम्हें ठीक रखते हैं? नहीं तो तुम्हें मैं ले जाऊं। आपको देख के पता चल रहा होगा इनकी सेहत। नहीं माशाल्लाह से मैंने काफी सारे शेर देखे हैं, लेकिन इनकी सेहत से लग रहा है कि ये डेली का ना कोई 20-25 किलो खा जाते होंगे। आप इसको कहेंगे बैठ जाएगी? सिट डाउन, सिट डाउन। वाओ, ऐसी एक पिक्चर मेरी बन जाए ना कसम से, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाए। ये शेरनी आपके कहना इतना मानती है, ये क्या खिलाया हुआ आपने इसको कि आपने कहा सिट डाउन तो वो बैठ गई है जनाब भी आपके सामने, ये ले, ये प्यार है। कितना डेली का करना पड़ता है ये, इस तरह से शेर जो होता है वो आपके साथ अटैच हो जाते हैं? मैंने बहुत टाइम दिया, मैंने बचपन से ये मेरे साथ है। ठीक है, इवन मैं घर में हूँ या ये जब मैं फार्म हाउस पे आता हूँ ठीक है तो मैं इनके पास ही हूँ। तो बेगम कहती होंगी शेरनियां शेरनियों से मेरे से ज्यादा तो आप शेरनियों से प्यार करते हैं। कैसे वो हर बात मान रही है, मैं तो इस बात पे हैरान हो रही हूँ। ये ना हो मुझे यहाँ से पकड़ा और मैं यूं जा रही हूँ अंदर। अच्छा मुझे बताएं माशाल्लाह से अभी यहाँ पे 5 शेर हैं आपके पास और इनकी सेहत से लग रहा है ना कि एक से एक बढ़ के खाता पीता होगा, तो बताएं थोड़ा इनके खाने में इनको क्या देते हैं माशाल्लाह से कितनी ज्यादा सेहत है? मैं इनको चिकन भी देता हूँ, बीफ भी देता हूँ, उसके अलावा सर्दियों में इनको बतख भी डालते हैं हम, खरगोश भी डालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनकी कभी ये कई इंसान का गोश्त दे तो फिर क्या करते हैं? अल्लाह ना करे, ये बड़े अच्छे टीम है, ये मेरे फैमिली भी मेरे बच्चे भी आते हैं इनके पास, कभी उनको भी इन्होंने आज तक नेल भी नहीं मारा और अल्हम्दुलिल्लाह इन सब के नाखून भी पूरे हैं और दांत भी पूरे हैं। वो नजर आ रहा है कि इन्होंने कहा है सिट डाउन तो वो उसी टाइम मैडम साहिबा बैठ गई हुई है। इतना तो कोई भी आपको कहना नहीं मानता होगा जितना शेर नहीं मानती कहना। ये प्यार है, जंगली जानवर भी है ना उससे भी आप प्यार करें तो वो भी मानते हैं। अच्छा अभी मैं प्यार करूंगी तो मुझे कुछ नहीं कहेगा फिर? नहीं नहीं ऐसा नहीं, असल में ये मेरे हाथ के टेम है और मैं किसी को अलाउ भी नहीं करता
कभी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी इन्होंने आज तक किसी एक को नेल भी नहीं मारा। पहले काफी लोग आते थे, अंदर जाते थे, लेकिन अब मैं किसी को अलाउ नहीं करता। ठीक है। तो तब भी किसी को जख्मी नहीं की जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता कोई रिस्क नहीं मैं लेना चाहता। अच्छा, आप कह रहे हैं मेरे हाथ के ये टेम हुए, मैं आपके हाथ से टेम होने का क्या मतलब है? मेरा मतलब है इनको मैंने ही, ये इनका माँ बाप मैं हूँ। ये बच्चे थे जब इन्होंने 20 से 25 दिन के थे, इन्होंने उस टाइम से मुझे ही देखा है। इनको आदत है सिर्फ मेरी। और जो लोग कहते हैं कि ये वाला जो शेरनी है ना, ये टेम है, ये कुछ भी नहीं कहेगी, आप अंदर चले जाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी जानवर है, बेशक वो कुत्ता ही हो, वो भी जिस जो उसका ओनर है उस टेम उसी का होता है। ऐसा नहीं है हर बंदे के साथ वो चला जाए। तो अगर कुत्ता भी इस तरह हो तो उस रखवाली को ना करे। इनका कोई खास तरीका होता है टेम करने का कि जल्दी से टेम हो जाए, फिर हर कोई आपकी तरह वीडियोस बना दे? मेरा इतना कसम से ड्रीम है ना कि ऐसे शेर मेरे साथ चल रहा है और मैं वीडियोस पिक्चर्स बना रही हूँ। आप पालने घर में उसको रख के महंगी बहुत है ना, मसला ये है। और चले बता, फिर शेर ले भी ले कोई पैसे शैसे इकट्ठे करके, उसके बाद फिर डेली का खाना कहाँ से लाए? फिर तो अपनी चमड़ी को धेड़ के उनको डालनी पड़ेगी कि भाई तुम लोग। शेर पालने के लिए जो है ना, दिल भी शेर जितना चाहिए। सर दिल तो है, लेकिन पैसे नहीं है। पैसे भी देंगे, आपके शौक सारे पूरे हों। हमारी दुआ है आपसे। नजर आ रही है माशाल्लाह से, ये भी हेल्दी है माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी नजर में लगी। मुझे बताएं फिर भी अगर हम कहीं अंदाजा लगा दें कि ये डेली का कितना खाते हैं या इनको कितना खाना देते हैं आप? इनकी मैंने तो आज तक जो है ना, ये शेर पालने के लिए शौक जो है ना, शौक की कीमत नहीं चलती, और शौक जो है ना दिल बड़ा करके पाला जाता है, वरना बगैर जबरदस्ती तो आप चिड़िया का जो है ना, एक चिड़िया भी नहीं पाल सकते, क्योंकि उसको भी दाना आपको डालना पड़ेगा, अगर जबरदस्ती वो भी आप नहीं रख सकते। ये मेरा शौक है। मैंने इनके एक्सपेंस मैंने आज तक कभी नोट नहीं किया कि क्या ये खा रहे हैं, क्या ये अपने नसीब का खा रहे हैं, ये मेरा नहीं खा रहे, ये ऊपर अल्लाह की जात बैठी है इनको खिला रही है। अगर इनको थोड़ा सा कुछ हो ना तो डॉक्टर के पास भी चले जाओ ना, तो वो भी मुंह फाड़ के पैसे मांगता है कि भाई शेर का ऑनर है, पैसे चंगे भले होने हैं। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैंने ये 20 दिन से ले के अभी मेरे पास तकरीबन कुछ 4.5-4.5 साल हो गए, तो कभी मुझे ऐसा नहीं, कोई अल्लाह ना करे कभी पहले आगे भी हो, मुझे डॉक्टर पे नहीं जाना पड़ता, मैं इनका आधा डॉक्टर में खुद लूंगा। मेडिसिन के अलावा मेरी कोशिश होती है मेडिसिन ना इनको इतनी दी जाए, वैसे ही हम देसी टोल को मेडिसिन इतनी सारी होती है। नहीं नहीं, ऐसी नहीं है। आप कह रहे हैं कि 10 किलो तो तकरीबन खाती है, वैसे ही अंदाजा लगाया है इन्होंने, अगर 5 शेर अभी नजर आ रहे हैं, अगर डेली की ये 10 किलो खाते तकरीबन 50 किलो हो गया। नहीं नहीं, 50 किलो नहीं, 35 किलो होता है, नहीं बनता थोड़ा है ये। और इसमें मटन होता है, बीफ होता है, ये चिकन होता है, क्या होता है? बीफ हम वीक में जो है ना 5 दिन को चिकन देते हैं, 2 दिन बीफ देते हैं। आए आए, पूरा हॉस्टल वाला सिस्टम रखा हुआ है इन्होंने कि भाई इतने दिन ये देना है, इतने दिन ये देना है। अब मुझे बताएं 5 शेरों की ब्रीड कौन सी है? ये पता तो वैसे मुझे यही है कि वो भी शेर है, अफ्रीकन है वो जो बैठा हुआ है, ये भी साउथ अफ्रीकन। काला क्यों नहीं? अफ्रीकी तो काले होते हैं। ये असल में जो है ना व्हाइट और ब्राउन का क्रॉस है। इसकी माँ इस कलर की थी, व्हाइट थी, और बाप ब्राउन था, और व्हाइट और ब्राउन का क्रॉस वैसे भी आम शेर से हाइट में ज्यादा होता है। अगर आपने कहीं और देखे हैं शेर, तो आपको इसको देखने में हाइट में जिसामत में ये बड़ा लग रहा होगा। ये भी 4 साल का है, ठीक है, ये भी थोड़ी बहुत हाइट और भी निकालेगा। नॉर्मली बात करें ना, तो हम जानवरों की एज देखते हैं कि इनकी जो शेर होता है तकरीबन इतनी जिंदगी जीता है, मुझे शेरों का नहीं पता, बताएं थोड़ा। मैं आपको बता दूं, जंगल में जो इसकी शेर की जिंदगी है ना, कुछ कहते हैं 6 से 7 साल है, कुछ कहते हैं मैक्सिमम 8 से 10 साल है, बस इतनी है। लेकिन इस तरह कैप्टिविटी में ये 25 से 30 साल है, इस तरह ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इधर इनको डाइट प्रॉपर हम टाइम से देते हैं, मेडिकेशन टाइम से होती है। जंगल में जो है इनकी मेडिकेशन तो कोई हो ही नहीं सकती, खुराक कुछ भी शिकार करेंगे तो खाएंगे, 10 दिन नहीं मिलेगा तो 10 दिन नहीं, भूखे हैं तो इधर इनको ये शहनशाही जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, ये कैप्टिविटी जरूर है इनके लिए, कैद जरूर है, इस चीज को मैं भी मानता हूँ। मैंने अभी इनके लिए जगह बना रहा हूँ, थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि इससे भी ज्यादा इसको खुला एरिया दें हम इनको, ताकि उसमें कोई ग्रीनरी भी हो, ग्रास वगैरह, कोई कच्चा माहौल इनको दें हम, जंगल टाइप। तो लेकिन जंगली बन जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, जंगली नहीं बनेंगे वो हमारे साथ, मैं तो इसी तरह रहूंगा इनके साथ। तो लेकिन इस तरह इनकी एज ज्यादा है, इस तरह इनकी हिफाजत ज्यादा है, ये बैठे बैठाए खा पी रहे हैं, मजे खा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, पका पकाया इनके सामने आ जाता है सारा कुछ, ये खा लेते हैं तो मजे ही होने हैं अभी इनके तो। अच्छा, मुझे बताएं कि हर किसी को शौक होता है ना कुछ पालने का, आपको बचपन से शौक था कि आपने बड़े जब होना है, बड़ा आदमी जब बनना है तो शेर ही पालना है, या कुछ और जानवर का शौक? नहीं नहीं, मुझे शौक तो बचपन से था इसका, शेर का, ठीक है। लेकिन जब
जाहिर है छोटा था तो घर वाले मना कर रहे थे कि भाई इतने छोटे तुम अभी शेर का बच्चा नहीं ले, शेर क्या करना है। हाँ हाँ। तो मैंने कुत्तों की हर नस्ल की मैंने अपना शौक पूरा किया, मैंने हर नस्ल के कुत्ते रखे हैं, इम्पोर्टेड भी, लोकल, हर तरह के। ठीक है। उसके अलावा मैंने बर्ड्स काफ़ी रखे हैं। ठीक है। जब से मेरा वो पहला शेर है मुफासा, जब मैंने ये लिया था तो उस टाइम मेरे पास एक ग्रेडन का पेड़ था। ठीक है। वो फिर जब ये मेरे पास आया तो फिर मैंने वो दे दिया, उसके बाद फिर शेर, फिर आपको शेरों का चस्का ला गया कि भाई अब शेर ही रखूंगा, इसके आगे शौक कोई नहीं। अच्छा, शेरों की जितनी ब्रीड होती है मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन सबसे जो कहते हैं ना लेवल की है, इसके शेर जो होते हैं ना ये जबरदस्त होते हैं, कौन सी होती है? ये जो मुफासा, आप मैंने आपको पहले बताया है कि मुफासा जो है, ठीक है, आप पूरे पाकिस्तान में देख लें शायद आपको इस तरह का शेर नजर नहीं आएगा, इस हाइट में, इस जिसामत में, वीडियो में देखने में, और आप अभी इसको ओरिजिनल देख रही हैं, लाइव देख रही हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा। वो अभी भी मुंह खोल के ना कह रहा है कि एक बार तू अंदर आ, तेनु सैर करावा। ऊपर से आपको देख रहे हैं कि भाई, अच्छा देखो उनको पता है कि हमारे मालिक है, उनको लग रहा है कि ये चिकन लेके आए, लेकिन आज वो खाली हाथ आए हैं, उनको लग रहा था चूचा पकड़ के लेके आ रहे होंगे हमारे लिए, पर कोई नहीं, आज कुछ नहीं है तुम लोगों के लिए, छुट्टी करो। अच्छा चक्कर तो ये बुरी बात मतलब गलत करते हैं, काटने की कोशिश करते हैं, तो आप इनको समझाते कैसे हो, मतलब इसको अगर मना करना है? देखिए, स्कूल में बच्चा जाता है ना, या माँ बाप भी अपने बच्चे को समझाने के लिए किसी टाइम बच्चा प्यार से मान जाता है, प्यार से नहीं मानता तो फिर उसको थोड़ा बहुत मानना भी पड़ता है। ठीक है। तो इनका मैं माँ बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ। ठीक है। तो इनको समझाना भी मैंने ही है। तो कैसे समझाते हैं? वो हल्का फुल्का इनको बस हल्का सा मैं जोर से भी बोलूँ तो ये समझ जाते हैं, कभी मैं गुस्से में हूँ तो ये आराम से समझ जाते हैं। एक शेर रखने के लिए कितने इंसान के पास पैसे होने चाहिए? दिल तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन पैसे कितने होने चाहिए? अगर तो ये सोच के रख रहे हैं तो फिर तो रख ही नहीं सकता इंसान। अगर एक छोटे से बच्चे की बात करें, ये तो माशाल्लाह से काफी बड़े भी हैं और हेल्दी भी हुए हैं, अगर इतना सा बच्चे की बात करें, आप कह रहे हैं 20 दिन का बच्चा, कितनी क्या प्राइस होगी? 20 दिन का बच्चा जो है इस टाइम कुछ 6 से 6.5 लाख रुपए। सर गाड़ी नहीं है, शेर का बच्चा है, 6.5 लाख का कौन सा इतने का बच्चा शेर, तो फिर तो बंदा सारी जिंदगी लगा रहे, फिर भी ना कर सके, नहीं कर ही लेगा, क्या हो गया? इतने अमीर अमीर लोग हैं, फिर रख लेते होते हैं, बिल्कुल सही है। अब एक दे दे फिर मैं ले जाती हूँ साथ, सारी ले जे। आप इतने तंग हैं अपने शेरों से? मैं इतनी तंग नहीं हूँ, मुझे पता हम ले जा नहीं सकते। क्यों, कैसे लेके जाए? एक वीडियो तो बनवा दे, वैसे पिक्चर या वीडियो एक तो बननी चाहिए, जैसे लास्ट टाइम शेर के साथ बनाई थी वीडियो, डर मुझे इतना लग रहा है, और मैं चाह रही हूँ अंदर चली जाऊँ, लेकिन मैं पता कि इसके साथ भी बन नहीं सकती, मेरे सारे डर शेर हैं और बड़े शेर हैं, तो इसीलिए जो है ना इनके साथ आप जा नहीं सकेंगे, क्योंकि शेर के आगे जाने के लिए ना इंसान के अंदर भी डर नहीं होना चाहिए। मैं डर नहीं रही हूँ। नहीं, मुझे आप नहीं डर रही ना, मुझे पता है। मैं नहीं डर, जब आप उसके पास जाएंगी आप डेफिनेटली डर रही होंगी, आप मुझे ना फील करो, आपके अंदर एक डर होगा, और वो जो अंदर का डर है इनको पता होता है। अच्छा। हमेशा शेर उसके ऊपर अटैक करता है, 50 लोग खड़े हों, ठीक है, 49 नहीं डर रहे, ठीक है, 51 बंदा डर रहा है, शेर उसको 49 को छोड़ के 50वें बंदे को पकड़ेगा जाके। बड़े पापे कुटन शेर है भाई, फिर तो इनको पता कैसे चलता है? पता है इनके, इंसान के अंदर से एक बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आंखों से रेजेस निकलती है, वो इनको सब पता होती है कि ये डर रहा है। मैं हालांकि इवन मेरे पास रहे हैं, अगर मैं भी इनके पास डर के जाऊंगा ये मेरे पे भी अटैक कर देंगे। आपके साथ टेम भी हैं, फिर भी मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर मैं भी डर के जाऊंगा ना ये मुझे भी पकड़ लेंगे। शेर को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है कि उसके अंदर कितनी ताकत है, इसको जिस टाइम अगर ताकत का अंदाजा हो जाएगा तो ये मुझे भी कुछ समझेगा। अभी इसको पता नहीं है इसके अंदर ताकत कितनी है, क्योंकि ये शुरू से रहा ही मेरे साथ है, इसको पता है यही मेरा माँ बाप है, इसने मुझे हल्का सा डांटा है, इसने ऐसे किया है, ऐसे प्यार किया है, तो बस यही मानना है जिस टाइम ये। और दूसरी बात, अभी ये वाइल्ड में रह भी नहीं सकते, इसको हम जंगल में छोड़ रहे हैं, ये मर जाएंगे बेचारे, इनको प्रैक्टिस, इनको पता ही नहीं है कि उसको हमने शिकार कैसे करना है, कुछ इसको शिकार कहाँ से ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, तो ये चीजें जो है ना ये डिफरेंट है उससे, जो है ना हमने इसको कैप्टिविटी और जंगल से हटके है सारा कुछ, बिल्कुल सही है। लेकिन वाइल्ड नेचर तो वही है ना, नेचर तो चेंज नहीं कर सकते, शेर तो शेर है, नेचर हम चेंज नहीं कर सकते किसी के भी। अगर 20 दिन के बच्चे की जो कीमत है वो 6 से 7 लाख है, तो अगर इनकी हम बात करें तो इन एक ये जो अभी ये नजर आ रही है इसकी क्या एज होगी? ये ना मेरे बच्चों की तरह,
और बच्चों की कभी भी कोई कीमत नहीं लगवाता। ये भी नहीं, वैसे अगर किसी ने लेने होना तो उनको पता होगा भाई, देखिए जिसकी जो चीज है वही उसकी कीमत बता सकता है, मेरे लिए तो ये इसकी कोई कीमत दे ही नहीं सकता। अगर कोई आपसे कहे कि मैं आपको हर जितना आप कहेंगे उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, ये वाली शेरनी दे दें, उसकी और मेरी आखिरी मुलाकात होगी। मैं अगली बात यही करनी थी कि ये वाली शेरनी दे दें मुझे। अच्छा हाँ। मतलब इतना प्यार है आपको, बिल्कुल कोई प्लान नहीं है आपका शेर बेचने का, कभी भी नहीं, सोच भी नहीं सकता। मैंने आपको पहले बात की है कि औलाद को कोई बेचता नहीं होता, ये मेरी औलाद से बढ़ के मैं अपनी, मेरा शायद अपने बच्चों को इतना टाइम नहीं देता जितना मैं इनको देता हूँ। खाना मैं खुद बाद में खाता हूँ, पहले इनकी इनकी डाइट का मुझे होता है कि इनका टाइम से जाना चाहिए। इनको हैंडल करने के लिए आपने आगे कितने लोग रखे हुए हैं? कोई नहीं, मैं खुद ही करता हूँ, सारा कुछ खुद ही करते हैं। साफ वगैरह भी करना, कहीं पे गंदगी कर देते तो वो खुद ही साफ कर देते हैं। वो तो है, बंदे हैं, लेकिन बाकी तो सारा कुछ मैं ही करता हूँ। वो तो है, मुलाजिम रखे हुए हैं तो, लेकिन मैंने सेफ्टी इतनी रखी हुई है कि किसी को भी इनके शेरों के पास जाना नहीं चाहिए। तो आपने इनको इकट्ठा क्यों भी रखा हुआ? ये तीन आपने इकट्ठे रखे हैं, वो दो आपने इकट्ठे रखे हैं। बड़े हैं वो, असल में दो मेल कभी भी इकट्ठे नहीं रहते हैं, अलग अलग जगह जो पैदा हुआ, मतलब अलग से जो बड़े हुए। मैंने सुना था दो औरतें इकट्ठी नहीं रह सकती है, लेकिन आप कह रहे तो मेल नहीं इकट्ठे रह। टाइगर और जो है ना उसका लायन का वैसे डिफरेंस है ना, ब्रीड का डिफरेंस। सर ने मुझे कहा है कि शेर के पिंजरे के अंदर जाने के लिए ना शेर जैसा जिगरा भी होना चाहिए, जो कि मेरे पास अभी तक नहीं है। जब कभी बन गए तो फिर मैं आऊंगी दोबारा शेर के पिंजरे में जाके, अंदर से जाके शेरों को मिलेंगे। उम्मीद है कि आज की जो हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, जितनी मालूम हो सकती थी हमने शेर के बारे में आपको बताई है। कुछ रह तो नहीं गया हमने आपसे आप तो बल्कि वो भी नहीं पूछी जो मैंने आपको बता दी। हाँ सर ने सब कुछ डिटेल बता दी, अगर आपने भी शेर रखना है तो फिर रख ले। जिगरा है अगर आपके पास तो। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए तो जल्दी से कर दे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़। ये कह रही है मैं नहीं करना।